राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान आजीविका विकास परिषद की ओर से प्रदेश भर में 34 लाख महिलाओं के समूह बनाए गए हैं। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजसमंद जिले में आए पंचायत राज मंत्री डॉक्टर रमेश मीणा क्या बड़ी सौगात दे गए, देखिए और सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। हमारा मकसद है कि जो महिलाएं यहां बैठी हैं, उनकी स्थिति में इजाफा कैसे हो। हमने पूछा, कोई महिला 5,000 रुपए कमाती है, किसी ने कहा मैं 10,000 रुपए कमाती हूं, और हमने नहीं पूछा, कुछ महिलाओं ने बताया नहीं। लेकिन हम यहां से देख रहे हैं, हमारा अनुभव कहता है कि कुछ महिलाएं तो जुड़ी हैं, लेकिन उनको जुड़ी हैं, लेकिन अभी 2,000 रुपए भी नहीं कमा रही है, 1,000 रुपए भी नहीं कमा रही है। अभी तो देख रही है कि कैसे आगे बढ़े, और क्योंकि हम चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विभाग की जिम्मेदारी कुछ समय पहले हमें मिली है, लेकिन मैं जब तक इस विभाग में रहूं तो हमारी महिलाएं, प्रत्येक महिलाएं 10,000 से 20,000 प्रत्येक महिलाएं कमाए तो मुझे लगेगा मैं इस विभाग में काम कर रहा हूं। क्योंकि हम यहां बैठे हैं, मुझे भी 1,25,00,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, हमारे अधिकारी बैठे हैं, सभी को यहाँ ऊपर बैठे हैं, जनप्रतिनिधि को नहीं कह सकता, पर कोई बिजनेसमैन होगा वो 1,00,000 या 10,00,000 रुपए भी महीने कमाता होगा। लेकिन जब दुख की बात यह है कि हमारी महिला 5,000 रुपए भी नहीं कमाती, तो हम इनको आर्थिक सपोर्ट हमारी योजनाओं के माध्यम से इनको कैसे आगे बढ़ाएं। तो इस उद्देश्य से हमने आपसे रूबरू होने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया, और हम आपसे चर्चा करें, क्योंकि आज समय कम मिला, लेकिन अगली बार हम मीटिंग रखेंगे, सीपी साहब से हम पहले अनुरोध कर देंगे, समय ले लेंगे, उसके बाद पूरे दिन का संवाद रहेगा। और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी राज्य सरकार की स्कीम है, उनकी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी ऐसी महिलाओं को मिले, उनका लाभ आप ही को मिले। अभी तक क्या होता था, किताबें छप जाती हैं, पंचायत समिति में, ग्राम पंचायतों में रद्दी की टोकरी की तरह पड़ी रहती है, ऑफिस में भरा रहता है, कोई काम नहीं आती। कोई भी प्रचार प्रसार का हमारे विभाग का काम है, अभी शायद नहीं शुरू किया है इन लोगों ने। तो कोई भी स्कीम होगी, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उसकी पात्रता क्या है, खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ना हो, आपकी सुरक्षा सखी है, पुलिस सखी जो जिसको उसका काम चल रहा है, जो भी काम है राज्य सरकार का, प्रचार प्रसार का, हमारी राज्यविका की महिलाएं करें, उनको पैसा मिले। और सेकंड मैंने देखा है, राजस्थान में हमने प्रोग्रेस तो अच्छी की है, राजबंद में अच्छा काम किया है, हमारी डीपीएम अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं उड़ीसा गया था, तो उड़ीसा जाने के बाद मैं यहां आकर देखता हूं आपके समूह को, और आपको, आप जिज्ञासु हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं वहां काम कर रही हैं, वैसा काम हो तो हमें लगेगा कि हमारा सपना साकार हो रहा है। वहां इतना अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं कि रेस्टोरेंट चला रही हैं, 5-स्टार होटल की तरह चला रही हैं, वहां दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं कि राजीविका वहां आए, शक्ति मिशन के नाम से, राजीविका हमारे राजस्थान में वह शक्ति मिशन के नाम से एक विभाग का गठन है, और हर काम मॉनिटरिंग होती है, प्रतिदिन जिले में हो चाहे स्टेट में हो, उसकी मॉनिटरिंग के लिए मीटिंग होती है। जितने भी आपके समूह बने हैं, महिला की क्या हॉबी है उसी के हिसाब से उसको ट्रेनिंग करवाई जा रही है। कोई महिला चाहती है मैं डिजाइनर बनूं, कोई महिला लड़कियों के प्रधान वस्त्र वाले स्त्री प्रधान में ये मैं जानती हूँ, इसमें आगे काम करना चाहती हूँ, तो राज्य सरकार वो आपको ट्रेनिंग करवाएगी, आपको सक्षम बनाएगी। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो नहीं है और उनकी बच्चियां हैं, आईटीआई करना चाहें तो उनको सरकार आईटीआई कराए, और उनको एक विशेष विशेषज्ञ की तरह उसकी पीएचडी हो, उसकी पकड़ हो कि भी पैकिंग कैसे होना चाहिए, हमारा मार्केट कैसे चलेगा, सेल कौन करेगा। तो हमारे विभाग में भी हम थोड़ा इसका स्टेप बाय स्टेप इसको बांटना चाहते हैं कि भाई प्रोडक्शन कौन करेगा, इस उसके बाद में इस माल को कौन बेचेगा,
ये हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी हम नेक्स्ट मीटिंग में रखेंगे, तो वो अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी महिलाएं किस क्षेत्र में और वहां की बहुत मतलब भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहां की महिलाएं क्या चाहती हैं, उनको कैसा काम करना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आने से पहले गुलकंद की के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसी साहब ने कहा यहाँ बड़ी डिमांड है, तो इस पर भी हमारे अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि इसकी खेती कैसे हो, इसका मतलब खाद्य वस्तु जितनी भी है शुद्ध कैसे मिले। जैविक खेती की तरफ हम जाना चाहते हैं कि शुद्ध खाने पीने की वस्तुएं आम आदमी को मिले, क्योंकि लोग आज पशुपालन की बात हो रही थी, आज गायों का कोई पालन करता है, भैंस का पालन करता है, आप लोग दो ही बातें हैं यहाँ पे, बक मार्केटिंग की बात आई थी या मुर्गी पालन की बात आई थी, तो हम एक के सहारे नहीं चले। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि भाई कुछ लोग कर सकते हैं इस काम को, लेकिन ये काम कुछ ही लोगों तक सीमित है। हम चाहते हैं नॉन फार्मिंग एरिया में अच्छा काम करें, उसके लिए सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है, किस तरह आपको लोन दिलवाएं, क्योंकि अभी हम 3663 करोड़ का महिलाओं का लोन राजस्थान में दिला चुके हैं और करीब हमारे बचत है वो 800 करोड़ की है। इस परियोजना की जो लागत में महिलाओं के लिए हमने करीब 1200 करोड़ रुपए दे रखे हैं, और अब हमने माननीय मुख्यमंत्री को कहा था कि भाई एक महिलाओं के लिए अलग से बैंक हो, तो वो बैंक खुल गई है, 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए, तो धीरे धीरे आप लोगों का जो पैसा है, आप जो पैसा देते हो ग्राम संगठन में CLF में, वो पैसा आपके पास ही रहेगा। आप ये सोच रही है पैसा देते हैं हमारे काम नहीं होगा, वो आपका डिपॉजिट फंड है, वो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल आपको रखना है। जो गरीब महिलाएं और कुछ अमीर महिलाएं, अमीर तो नहीं है पर मीडियम क्लास की महिलाएं, वो दोनों का बीच में समन्वय होना चाहिए। जैसे आप ग्राम संघ मतलब वो संगठन ऐसी समूह बनाती हैं गाँव में, तो एक स्टेटस की महिलाएं होंगी, आस पड़ोस में रहती होंगी, गरीब महिलाओं का समूह बनेगा तो वो किसी से संकोच नहीं करेंगी बातचीत में, उसको जरूरत है घर चलाने के लिए, बीमार बच्चों का इलाज कराने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, गृहस्थी की जिम्मेदारी है, बहुत सारे ऐसे काम है। लाभ की बात तो जब बाद में आएगी, पहले उसके 2 जून की रोटी उसको सही ढंग से मिले, क्योंकि अभी तक जो महिलाएं इससे पहले साहूकारों के कर्जे से, सेठों के कर्जे से लोग दबे हुए थे, तो घर की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक राजीविका एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। और जिन लोगों को आपका T1 का जो पैसा नहीं मिला है, तो मैं कहना चाहूंगा हमारे मंजू राजपाल जी से कि कोई भी इनका लेन देन का सिस्टम समझ में आ गया हो, 2-3 महीने का प्रोसीजर पूरा हो गया हो, तो उनको T1 का पैसा मिल जाना चाहिए। T2 से जो महिलाएं वंचित हैं कम्युनिटी फंड से, वो भी समय पर मिले, हमारी महिलाओं को बैंक का लोन भी ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन जो महिलाएं समय पर लोन चुकाएंगी और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। कुछ महिलाएं समझती हैं सब्सिडी का पैसा एक बार ले लो दोबारा नहीं जुड़ना, अरे इससे जुड़ जाओगे तुम्हारी गृहस्थी की नैया पार हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये कि एक नियत साफ हो, आप खाद्य वस्तुएं बनाएं या परिधान बनाएं, क्वालिटी अच्छी होगी, शुद्धता होगी, तो आपका राजीविका का नाम जो हम राज ब्रांड रखने जा रहे हैं वो आपको आगे तक ले जाएगा, राजस्थान का नाम पूरे देश में होगा, क्योंकि अब हमारा ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज हम पूरे राजस्थान में 34 लाख महिलाएं इस संगठन से जुड़ गई हैं और अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान में और आपके राजस्व मंद में जो 95% की बात हो रही है कि हम सेचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमें देखने में मिला कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में इजाफा नहीं हुआ है, बढ़ तो गई है लेकिन आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, काम धंधा कैसे, कौन सा उसके हॉबी के अनुसार वो काम करेंगी, वो हमारे अधिकारियों को संगठन की जो लीडर है उनको तय करना है। और
आज समय काफी हो गया है, आप लोग यहाँ पधारे। नेक्स्ट मीटिंग में हम जो आपकी भी कोई कमियां हो, कोई भी बात हो, पंचायत राज की, कहीं आपके गांव में सड़क अच्छी नहीं बन रही हो, सरपंच गड़बड़ कर रहा हो या अधिकारी गड़बड़ कर रहा हो, तो हमें सीधा बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो महिलाएं एसएचजी ग्रुप से जुड़ेंगी, उनके लिए हम जो गरीब महिलाएं अपना खेत अपना काम योजना, और यदि उनके पास जमीन है तो 3 लाख रुपए का लाभ प्लस कैटल सेट 79,000 का बनता है, वो हम आपको सबसे पहले स्वीकृत करवाएंगे। ये सीपी साहब का दिशा निर्देश है, कभी कुछ आए तो कुछ तो फायदा हो, तो प्रत्येक महिला को 2-2.5 लाख रुपए का फायदा होगा। ग्रामीण महिलाएं और भी हमारे विभाग की योजनाएं, उनसे हम आपको लाभान्वित करवाएंगे, क्योंकि अब समय हो गया, आपको भी जाना और हमें भी आगे प्रोग्राम है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।